बाबा के बुलडोजर की चर्चाएं अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में है, और चर्चाओं के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी अब उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बुलडोजर का उपयोग हो रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में और अब उत्तराखंड में भी बुलडोजर का कहर जारी है। यानी कि यह साफ है कि मुख्यमंत्री धामी भी अब योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी बुलडोजर चर्चे में है। उत्तराखंड में बीजेपी की बम्पर जीत और सरकार में वापसी के बाद हल्द्वानी नगर निगम में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए फुटपाथ को कब्जे से मुक्त कराया है। गौरतलब है कि लंबे समय से हल्द्वानी में स्थानीय निवासियों द्वारा सड़कों से अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही थी, और इसी क्रम में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सोमवार 4 अप्रैल 2022 को हल्द्वानी विधानसभा के मंगल पड़ाव स्थित मछली बाजार से अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की। इस दौरान पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेसी पार्षद बुलडोजर के आगे लेट गए। वही विरोध जताने जा रहे हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश को उनके घर में नजरबंद करते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इस मामले पर विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि पुलिस प्रशासन के माध्यम से मुझे अपने आवास पर नजरबंद करना लोकतंत्र की हत्या है। हृदयेश ने प्रशासन से जवाब मांगते हुए कहा कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को किस आधार पर जनता से मिलने से रोका जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब लोगों से रोजी रोटी छीनी जा रही है। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम ने बताया कि मंगल पड़ाव के मछली बाजार में कारोबारी मुर्गी तथा मछली बेचने के लिए ठेले लगाते हैं, और यहाँ पर हमेशा गंदगी रहती है जिसे नहर में डाल दिया जाता है। इससे पहले भी नगर निगम ने 2 बार अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण हटाने को कहा था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। और सोमवार को बुलडोजर मंगल पड़ाव में अतिक्रमण हटाने को पहुंचा तो समुदाय विशेष के प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस पार्षद विरोध करते हुए बुलडोजर के आगे लेट गए। वहीं वेंडरों ने विरोध जताते हुए बीच सड़क पर धरना शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया और कई मकानों को ध्वस्त किया। इस पूरे मामले पर नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि कई दिन पहले नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी, लेकिन अतिक्रमणकारी अतिक्रमण को नहीं हटा रहे थे, इसलिए मजबूरन प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी।